गिले देखो क्या क्या करना पड़ता है। तो गाइस नाउ टाइम इज 12 AM, तो चलते हैं। अभी मैं हूँ यमुना एक्सप्रेस में, मैंने टूल कटा लिया है। मेरे को दिल्ली तक टूल 205 रुपये का पड़ा है, और 205 रुपये का टूल पड़ा मेरे को। ये लाइट ना थोड़ा ऊपर करना है मेरे को, हाँ अपग्रेड है। तो गाइस मैं क्या बता रहा था, जो मेरे को टूल पड़ा है वो है 205 रुपये दिल्ली तक, और मैंने आगरा का प्लान इसीलिए कैंसिल किया बिकॉज़ दिन में काफ़ी गर्मी हो जाता है दिल्ली में। मैंने पूछा वहाँ पे लोकल से, तो बोलता दिन में काफ़ी गर्मी हो जाता है, तो दिन में मैं गर्मी में तो राइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी है। कितना किलोमीटर कर लूँगा, अगर सुबह निकलूँगा तो रात तक ही पहुँच पाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं रात में पहुँचूँ, दिन में पहुँचना बेटर रहेगा। तो चलते हैं यमुना एक्सप्रेस की यात्रा करते हैं। इस यमुना एक्सप्रेस का मतलब पता क्या होता है, जितना भगाना है भगाओ, ये मतलब होता है। तो गाइस अभी मैं 80 में जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद क्रूज करूँगा मैं। लेट मी फिनिश दिस कर्व एरिया, तो मैं कर्व एरिया फिनिश करके थोड़ा खींचूँगा गाड़ी को। तो भाई रोड तो इसे कहते हैं यमुना एक्सप्रेस, मतलब 205 रुपये दे के ऐसा रोड मिलना 200 किलोमीटर तक, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से दिल्ली लगभग 200 किलोमीटर है, तो 4-5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाऊँगा मैं इजीली, या फिर उससे पहले भी पहुँच सकता हूँ मैं बिकॉज ऑफ दिस रोड ओनली, क्योंकि काफ़ी अच्छा रोड है। और हाँ गाइस, यहाँ से 70 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप मिलेगा हाईवे के पास ही, तो वहाँ पे फुल करवा लेंगे टैंक दोबारा से। तो गाइस आप मेरे हेडलाइट को तो देख ही सकते हैं, फॉग लाइट को, मतलब है ना सही भाई, मतलब रात को राइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये मैं हेडलाइट बंद करके देखता हूँ, और क्या दिखता है, देखो दिख रहा है कुछ गाइस, अब देखो है ना, अब देखो दिख रहा है। तो चलते गाइस, आप ये वीडियो को एंजॉय करें। रात में ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज रात में थोड़ा कंसंट्रेट रहना पड़ता है सड़क को लेके। तो चलते हैं गाइस, आप थोड़ा वीडियो को एंजॉय करें, बीच बीच में बातें करता रहूँगा मैं। आप देखते रहिए, गाइस विंड ब्लास्ट, ओ माय गॉड विंड ब्लास्ट, क्या धक्का मार रहा है विंड भाई। किलोमीटर यहाँ से आई थिंक पेट्रोल पंप मिलेगा मुझे, वहाँ पे रिफिल करवा लूँगा दोबारा। वैसे अभी भी है 120-150 किलोमीटर चल सकता है इजीली, बट फ्यूल को मैं टॉप अप रखूँगा और बाद में नॉर्मल स्पीड से चलाऊँगा। दिस वीडियो ओनली फॉर यू गाइस। ये जो ऑफ रोडिंग टायर लगाया है, ये हाईवे में भी मस्त है और ऑफ रोडिंग में भी मस्त है। आप देख सकते हैं हाईवे में इजीली 105 क्रूज कर रहा है फुल लोडेड एप्रिलिया पे, और विंड ब्लास्ट अलग से लगता है, तो उसके कारण भी स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, दैट्स द रीज़न, बट स्टिल गोइंग वेरी गुड स्पीड। काफ़ी अच्छा जा रहा है, बट आई कांट बिलीव यार इतना अच्छा चल रहा है एप्रिलिया।
गाइस, हाँ अपना प्रिकॉशंस भी ज़रूरी है, थोड़ा स्लो चलाता हूँ और अपने आप पे सेफ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई मिस हैपनिंग हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, तो थोड़ा धीरे चलाता हूँ अब। ज़्यादा जो बोलते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, तो वही बात हो जाती है। अभी बहुत राइड करनी है, तो इतना बहुत है, तो धीरे चलाऊंगा अब। ये पुलिस वाले खड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कुछ मिस हैपनिंग हो, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होता है, तो बी सेफ गाइस। कभी भी ऐसे रोड में आके जोश पे होश मत खोना, क्योंकि जो लोगों के एक्साइटमेंट होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे भगाए। और बस यार, अपना एक्साइटमेंट 2-3 किलोमीटर तक ही रखो, 4-5 किलोमीटर तक रखो। अगर आप कंटिन्यू ऐसे भगाओगे तो यार कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए ऐसा कुछ भी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा तो कान भी बंद हो गया है, बताओ। चला, मेरे आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, क्या बात है, सारा जनता खाना खाने लग गया क्या। तो ये रहा मेरा फॉग लाइट, कम से कम 50 मीटर तक इजीली विजिबिलिटी आ जाती है। चार किलोमीटर बाद 5-5 किलोमीटर बाद पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योर फॉर जैसे जो हम जाते हैं इनके लिए, तो काफ़ी अच्छा है। और रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छा है, एक्सप्रेसवे है यार, इसकी तो बातें मत करो, एक्सप्रेसवे में रोड कंडीशन बहुत अच्छा रहता है।